वुड लाइक टू कंटिन्यू इट फर्दर विथ माई टॉपिक। हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के मात्र से ही व्यक्ति को कई तरह के जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में हमने यह देखा है कि सदियों तक एक तबका अपने आप को हाशिए पर पाया है, जिसे आज हम दिव्यांग या पर्सन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं। बट विद द राइज ऑफ द 21st सेंचुरी, द इश्यू ऑफ राइट्स एंड वेलबींग्स ऑफ दीज पर्सन विद स्पेशल नीड्स ऑल्सो स्टार्ट बींग रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर मेड फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद स्पेशल नीड्स। फ्यू कन्वेंशन वर हेल्ड इन दिस रिगार्ड, दीज आर एजुकेशन फॉर ऑल, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सेलावैंका स्टेटमेंट एंड पिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। सो नाउ आई उपासना सिंह, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन पिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क विद माई टीम मेट्स अनुदान सिंह एंड विपुल पांडे। So let us know in detail about बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क वह संगठन है जो पूरे एशिया एंड पैसिफिक रीजन में पर्सन विद स्पेशल नीड्स के लिए समावेशी, बैरियर फ्री और राइट्स बेस्ड सोसाइटी को बढ़ावा देता है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड देयर सोशल लाइफ। और इस कॉन्फ्रेंस में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों की सरकारों ने प्रतिभाग किया। इट वॉज हेल्ड ऑन 25th to 28th October 2002 इन शिगा, एंड विच इज अ सिटी इन जापान, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। BMF वॉज नेम्ड आफ्टर द बीवा लेक, एंड दिस लेक इज लोकेटेड इन शिगा इन जापान। तो क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस शिगा में ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी वहां की बीवा लेक से लिया गया, जो कि बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क रखा गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एम्स ऑफ द बेवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। दीज एम्स आर इंक्लूसिव, बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी। सो कमिंग टू द फर्स्ट एम, एन इंक्लूसिव सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी फॉर ऑल, वेयर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स एंड चाइल्ड विदाउट स्पेशल नीड्स शुड नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इस कॉन्फ्रेंस, इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य था कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स एंड चाइल्ड विदाउट स्पेशल नीड्स को एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर उन्हें साथ साथ शिक्षा दी जाए और साथ में वो सीखेंगे, क्योंकि दुनिया भर में खासकर शिक्षा जगत में यह विचार प्रभावी होते जा रहे थे कि जो बच्चे एक साथ सीखते हैं वे एक साथ जीना भी सीख लेते हैं। तो दूसरा एम है बैरियर फ्री, यह कि दिव्यांगों के लिए सोसाइटी में जो फिजिकल और एटीट्यूडनल बैरियर्स बने हुए हैं, जिनके कारण एक दिव्यांग के जीवन में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स अपने आप खड़े हो जाते हैं, और इन बैरियर्स को ही ध्वस्त करना इस फ्रेमवर्क का दूसरा एम था। अब जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते हैं, स्कूल में अगर हमारे सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, तो ये उन बच्चों के लिए एक बैरियर का काम करती है। तो स्कूल के बिल्डिंग स्टेयर्स के साथ रैंप बनाना और अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चों में जीवन के प्रति आत्मविश्वास प्रदान करना आदि, ये BMF का दूसरा उद्देश्य था। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इट इज राइट्स बेस्ड सोसाइटी। द सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। अब इससे हम क्या समझते हैं? ह्यूमन बेस्ड सोसाइटी दैट इज एक ऐसी सोसाइटी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। बेसिकली ये तो गवर्नमेंट प्लान करती है कि हर सिटीजन को हम क्या प्रिविलेज देंगे। तो जब भी प्लानिंग कर रहे हो तो इट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू दी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो द अथॉरिटी शुड प्लान इन सच अ वे दैट द नीड्स ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन शुड बी केटर्ड, एंड देयर नीड्स आर डिफरेंट। सो वेन वेन दे आर प्लानिंग द राइट्स, कीप दैट इन माइंड सो दैट दे डोंट हैव टू आस्क फॉर देयर राइट्स एवरी टाइम, या फिर कहीं पर भी जब भी पब्लिक जगह पर जाते हैं तो उन्हें हेल्प मांगने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रोविजन फॉर देम। दे डोंट नीड एनीबडी एल्स टू हेल्प देम, दे कैन मूव अराउंड ऑन देयर ओन सेल्फ। हम जैसे कि इसका भी हम उदाहरण से देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री अपने देश में ही बेंगलोर जैसे शहरों में देखते हैं कि पब्लिक बसेस जो हैं उसमें स्टेयर्स के साथ रैंप भी होते हैं।
तो जिससे कि वो भी इजीली बस में आ सके. सो द पब्लिक एमिनिटीज सच एज टॉयलेट्स, ट्रांसपोर्ट, एटीएम फैसिलिटीज एंड सो ऑन शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट केटर द नीड्स ऑफ पर्संस विद स्पेशल नीड्स. नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन प्रायोरिटी एरियाज ऑफ एक्शन. टू अचीव दीज गोल्स द फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज 7 प्रायोरिटी एरियाज फॉर एक्शन. For each priority area, there are 3 sub-areas. First one is concerned issue. Secondly, the targets related to it. And third, the action to achieve these targets. अब पहला है हमारा self-help organizations of person with special needs. अब इसमें जो भी ऐसे organizations बनाना जिनकी priority person with special needs रहेंगी. दूसरा, women with स्पेशल नीड्स. अब पर्सन में भी पहली प्रायोरिटी हमारी वेमेन की होगी उनकी सिचुएशन को देखते हुए. और प्रायोरिटी एरिया हमारा रहेगा कि उन्हें डिटेक्ट करना, फिर उन्हें कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे, उनकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे रिगार्डिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट. और इसके बाद जो हमारा प्रायोरिटी एरिया आता है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम कैसे उन्हें प्रोवाइड कराएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की दे कैन इजिली एक्सेस ऑल दीज फैसिलिटीज. एंड लास्टली गरीबी उन्मूलन के लिए हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये है कि उनका स्किल सेट इम्प्रूव करें सो दे कैन सस्टेन देयर लाइवलीहुड. नाउ आई इनवाइट अनुदान टू फर्दर एक्सप्लेन द टॉपिक. थैंक यू पांसना. हमें अब यह देखना है कि एजुकेशनल डाइवर्सिटी और समावेशन के संदर्भ में बीवाक को मिलेनियम फ्रेमवर्क क्या कहता है, और इसको पूरा करने के लिए सभी प्रायोरिटी एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इशू, टारगेट एंड एक्शन. पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में सबसे पहले प्रयास में हूँ कि बच्चों का अर्ली स्टेज में ही डिटेक्शन हो सके. इस बात के लिए जो टारगेट ग्रुप होगा वह है बच्चे और युवा, और डिटेक्शन व इंटरवेंशन करने वाली एजेंसी गवर्नमेंट होगी जो कानून को लागू करेगी और ऐसी मशीनरी डेवलप करेगी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ साथ सभी को समाहित करते हुए शिक्षा का प्रबंध करेगी. हमारा जो दूसरा प्रायोरिटी एरिया है जिसमें बीएमएफ ने एक्शन लेने पर जोर दिया है वह है ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट. इसमें उन लोगों को शामिल करने की बातें हैं जो तुलनात्मक रूप से कम पढ़े लिखे, अनट्रेन्ड और बेरोजगार हैं. इसके लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम से कम 30% ऑफ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 2012 तक दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग का अवसर मिल सके. इसके लिए सरकारें समानता वाले कानूनों को लागू करेगी और पर्सन विद स्पेशल नीड के अधिकारों की रक्षा करेगी. नाउ आई इनवाइट विपुल फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक. थैंक यू अनुदान. अब हम आगे देखेंगे कि बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से सिद्धांत व नीतियां पेश की गई हैं. इनमें पहला सिद्धांत है कि जितने भी पहले से बने हुए या नए बने हुए कानून, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम इत्यादि हैं, उनमें ये जो डिसेबिलिटी डायमेंशन है उसे इंक्लूड करना है. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कूल, कॉलेज या कोई भी बिल्डिंग बना रही है तो उसे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन क्लासरूम्स या ऑफिसेज में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति एक्सेस कर सके. दूसरा है, जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं वे गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा तथा यूथ इम्प्लॉयमेंट में जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करते हुए एक अभिन्न हिस्से के रूप में बने रहेंगे. उन्हें किसी भी हाल में एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. कई बार ऐसा देखा गया है कि हम ढेर सारी तकनीकों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर पाते हैं लेकिन दिव्यांग नहीं कर पाते. ऐसे में उन कुछ तकनीकों में थोड़ा बहुत संशोधन करना चाहिए जिससे दिव्यांग व्यक्ति भी लाभान्वित हो सके. जैसे एटीएम का प्रयोग एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर पाता है, कई तरह के दिव्यांग इसका उपयोग नहीं कर पाते. लेकिन यदि एटीएम में रेटिना स्कैनर या फिंगरप्रिंट स्कैनर की तकनीक का प्रयोग होने लगे तो यह दिव्यांगों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हो जाएगा. तीसरी पॉलिसी है या प्रिंसिपल है वो ये है कि नेशनल पॉलिसी मेकिंग में पर्संस विथ स्पेशल नीड्स को और उनके ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करके आगे बढ़ना है.
जैसे मनरेगा एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन बीएमएफ कहता है कि सरकारों को इस तरह की योजनाओं में भी यह ध्यान देना होगा कि इस तरह की योजनाओं में दिव्यांग व्यक्तियों से क्या सेवाएं लेंगे, ताकि सेवा देने में उनका शरीर एक बैरियर न बने। ऐसी बातों पर यदि ध्यान दिया जाएगा तब उन दिव्यांगों का समाज में इंक्लूजन होगा और देश की प्रगति में उनका भी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसी ही सारी एनसीईआरटी की बुक्स को अगर ब्रेल लिपि के अकॉर्डिंग करने की योजना हो तो वो भी दिव्यांगों के लिए अच्छा कदम साबित होती है। एंड द फोर्थ इज पर्संस विद स्पेशल नीड्स को एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे क्षेत्रों में समान अवसर देना चाहिए। दिव्यांगों को एजुकेशन तथा पब्लिक सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन के तहत इस बात को सुनिश्चित भी किया जाता है। इस तरह बैरियर फ्री सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, जैसा कि पहले उपासना ने बताया है। यदि अब हम विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो कुछ उपलब्धियां साफ साफ दिखाई देती हैं। उनमें है ESCAP अर्थात द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन के आधे या उससे ज्यादा की सरकारों ने शिशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए अर्ली स्क्रीनिंग तथा इंटरवेंशन सेवाओं को उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया हुआ है। दूसरा, भारत में 1.31 मिलियन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां सामान्य बच्चों के साथ साथ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड को भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एक्टिविटीज कराई जाती है। यहां इन बच्चों की उम्र 3 से 6 साल के बीच होती है। तीसरा है, चीन ने दिव्यांगों को मेडिकल तथा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम का कॉम्बिनेशन प्रदान किया है, जिससे दिव्यांगजन अपना भविष्य ठीक कर पाते हैं। ईरान में तो ग्रामीण दिव्यांगों की 67% आबादी ऐसी योजनाओं से लाभान्वित है। मलेशिया जैसा देश अपने बहुउद्देशीय समावेशी तथा समेकित कार्यक्रमों के तहत पर्संस विद स्पेशल नीड्स की अर्ली डिटेक्शन व अर्ली इंटरवेंशन करते हुए उनके पुनर्वास, एजुकेशन, ट्रेनिंग इत्यादि की व्यवस्था करता है, ताकि उसकी दिव्यांग आबादी भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। और अब अंतिम बिंदुओं को उपासना रिप्रेजेंट करेंगी। थैंक यू अपर। नाउ दैट वी हैव सीन द बेटर साइड ऑफ फ्रेमवर्क, लेट अस आल्सो एनालाइज द चैलेंजेस और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क। हम चैलेंजेस में पहला चैलेंज जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं जितनी भी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज या जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे इस फ्रेमवर्क द्वारा, तो उनको मेजर करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा लॉग बुक नहीं बनाई थी कि जो जितनी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं उसका एक डाटा वो कैसे सुनिश्चित करेंगे, वो कैसे कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कोई फिक्स्ड मेथड नहीं अपनाया था। तो जब उनके पास डेटा नहीं होगा तो वो आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे और आगे वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे, तो जो हमारा अल्टीमेट पर्पस था वो अकॉम्प्लिश नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट नहीं था, तो इस वजह से उन पॉइंट्स को इम्प्रूव नहीं कर पाए और जिन पे वो लैग कर रहे थे। तो ये था हमारा एक चैलेंज। फिर दूसरा कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज में जो वेमेन एंड चिल्ड्रेन थे, they have been receiving insufficient attention. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनपे कम ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा uneven policy implementation पाया गया। तो due to uneven implementations, women and children को कम attention दी गई और ये भी हमारा एक drawback साबित होता है इस framework के लिए। So, to conclude, we can say that this Commission of Asia and Pacific region needs to come up with a stronger resolution, keeping in mind the existing challenges and the one that may occur in the upcoming decade. Thank you.